अब हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर गिवन, तो टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर गिवन है तो ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कब हो सकते हैं, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। तो नंबर वन, दोनों मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर होना चाहिए। नंबर टू, अब ए के जो एलिमेंट है कोरस्पोंडिंग एलिमेंट बी के इक्वल होने चाहिए। कहने का इट मीन्स है ए वन वन इक्वल बी वन वन। ए वन वन का मतलब है मैट्रिक्स ऑफ ए का जो भी कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है वो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी के इक्वल होना चाहिए। इसी तरह टोटल एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। यदि ये दो कंडीशन सेम ऑर्डर और कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल हो तो हम ऐसे मैट्रिक्स को इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अब इसको हम एग्जांपल के द्वारा कैसे प्रूफ कर सकते हैं। सपोज करिए ए एक टू ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसमें फर्स्ट रो में 2 4, सेकंड रो में 3 0। इसी तरह एक अन्य मैट्रिक्स बी 2 4 3 0। अब इन दोनों के ऑर्डर 2 by 2 यानी ऑर्डर सेम है। अब 2 और 2 यानी ए मैट्रिक्स ए का ए 1 1 बी 1 1 के इक्वल है। इसी तरह ये 4 4 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है और ये 0 दूसरी मैट्रिक्स में 0 के इक्वल है। अब इसके 4 एलिमेंट्स मैट्रिक्स ए के 4 एलिमेंट्स मैट्रिक्स बी के इक्वल है यानी कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल है, ऑर्डर सेम है तो हम ए और बी को इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसी तरह नॉट इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, सपोज करो यहाँ पर 3 है, मैट्रिक्स ए में 3 है और मैट्रिक्स बी सेम है 2 4 3 0। अब ये हमारा ए वन वन यहाँ पर 3 है और बी 1 1 हमारा यहाँ पर 2 है। ऑर्डर सेम होने के बाद कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए 1 1 कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी 1 1 नॉट इक्वल है। तो जब नॉट इक्वल है तो हम ऐसी मैट्रिक्स को नॉट इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड बी द गिविन इक्वेशन। अब हमें ये 2 इक्वेशन गिविन है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं। पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर, इसी तरह दूसरी मैट्रिक्स भी स्क्वायर ऑर्डर है 2 ऑर्डर। अब हम a11 y 3 z x 1, अब जो वैल्यू गिवन है 5, इसमें भी 5, दोनों सेम होने चाहिए। अब जैसे y x y z अननोन वैल्यू है तो इसके बारे में हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल है, बट जो वैल्यू गिवन है जैसे कि a22 b22 a22 इक्वल b22 इक्वल 5, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है। तो अब हम इक्वेटिंग कोरस्पोंडिंग एलिमेंट, जैसे अब हमारा b11 y, यहां b11 यानी a11 4, इसी तरह z 3 और ये जो x है इसके इक्वल होना चाहिए यदि ये 5 और 5 के इक्वल है। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसमें x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3, क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है और जो वैल्यू गिवन है वो भी इक्वल है, इसलिए अननोन वैल्यू भी इक्वल होंगी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 9, बेस इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई
मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल, टू मैट्रिक्स इक्वल गिवन है, अब दोनों मैट्रिक्स टू ऑर्डर की है, अब अननोन वैल्यू, तो इसमें टोटल अननोन वैल्यूज है हमारे पास, यानी सभी वैल्यू एक्स वाई जेड से रिलेटेड है, तो जैसे सबसे पहले हम इस वैल्यू को इस वैल्यू के इक्वल, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, तो एक्स की वैल्यू माइनस 7/3, अब वाई की वैल्यू इसकी इक्वेटिंग हम कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इससे करते हैं, वाई माइनस 2 इक्वल 5, तो वाई इक्वल 7, इसी तरह हम इस ए 21 की बी 21 से इक्वेटिंग करते हैं, तो वाई प्लस 1 इक्वल 8, वाई इक्वल 7, अब वाई की वैल्यू पहले भी 7 गिवन हुई, अब अगेन वाई इक्वल 7, तो ये इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स की कंडीशन को एग्जिस्ट कर रही है अभी तक। अब हम ए 22, 2 माइनस 3x इक्वल 4, ये 3x वो दूसरी साइड में ले जाने पर 4 इधर, तो साइन चेंज, तो x इक्वल माइनस 2/3, अब यहाँ पर x की वैल्यू माइनस 2/3 है, और जबकि इससे पहले हमने x की वैल्यू माइनस 7/3 गिवन की थी, अब ये दोनों वैल्यू यूनिक नहीं है, यूनिक ना होने के कारण ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन को एग्जिस्ट नहीं कर पा रही है, इसलिए हमारा एमसीक्यू का बी पार्ट नॉट पॉसिबल टू फाइंड एक्स वाई की वैल्यू, अर्थात एक्स की वैल्यू यूनिक ना होने के कारण हमारा बी पार्ट का आंसर सही है, अर्थात वैल्यू गिवन करना पॉसिबल नहीं है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यदि दोनों मैट्रिक्स का, टू मैट्रिक्स गिवन है, उनका ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है, तो ए बी का सम पॉसिबल है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 2 3 4, ये 2 ऑर्डर 3, बी 2 3 माइनस 2 1 2 3, ये भी सेम ऑर्डर 2 × 3, अब हमें ए प्लस बी, ए का सम बी के साथ, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ 1 प्लस 2, सेकंड के साथ 2 प्लस 3, थर्ड के साथ 3 माइनस 2, ये इसके साथ 2 प्लस 1, ये 3 b 2 2 के 3 प्लस 2, इसी तरह 4 3 के साथ, तो लाइक एलिमेंट के साथ सेम एलिमेंट को प्लस करने से एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल हो जाता है। सपोज करो कि यहाँ पर हमने एक एनी मैट्रिक्स 2 3 2 4 और ले लिया, अब इसके ऑर्डर कितने हो गए 2 × 4, इसके ऑर्डर 2 × 3, तो सम ऑफ एडिशन मस्ट नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑर्डर इनके सेम न होने के कारण इनका एडिशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, अब हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है 2 3 1 2, तो हम अपनी तरफ से स्केलर के ए, हमने के को स्केलर लिया, तो के की ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी, ईच एलिमेंट से, तो दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। इसी तरह 2a 4 6 2 4, दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन 2। इसी तरह से हम अन्य एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, आज का हमारा होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3 और 5 को छोड़कर एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक करने हैं, जिसमें 3 और 5 क्वेश्चन अभी नहीं करना है।